बिधुना थाना दिवस में जिलाधिकारी सुनील कुमार, पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती अपर्णा गौतम कोतवाली बिधुना पहुंची। कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को लेकर आला अधिकारी सुनेंगे। वहीं आला अधिकारियों की जानकारी मिलते ही महिलाएं समस्याओं को लेकर कोतवाली पहुंची, महिलाओं की समस्याएं सुनी, जिसमें उप जिलाधिकारी राशिद अली, सीओ बिधुना मुकेश कुमार, इनके अलावा भी उप निरीक्षक तहसील के राजस्व, नगर पंचायत कर्मी प्रमुख रूप से मौजूद थे। एसएचओ बिधुना राजकुमार सिंह, एसआई मुकेश कुमार, एसआई पवन यादव, एसआई जितेंद्र सिंह, एसआई अमर सिंह, महिला सशक्तिकरण की अदाकारी श्रीमती निर्मला चौहान, अरुणा सक्सेना, मंजूलता चौहान, प्रेमलता सक्सेना, कई लोग मौजूद थे। औरैया से संवाददाता अश्विनी सिंह की खास रिपोर्ट। यहाँ पे जो था शनिवार के इसका मेन उद्देश्य तो समाधान होता ही है, जो समाधान ऐसे हैं जिनका कुछ पुलिस के साथ वास्ता है या कानून व्यवस्था के साथ वास्ता है, और पुलिस और जो हमारा प्रशासन है उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसके तहत जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके लिए समाधान दिवस होता है। इसमें आज समाधान दिवस का जो मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जो महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध है, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण के रूप में हम लोग पूरा मना रहे हैं इस माह को और आगे भी मना रहे हैं, तो जो नारी से संबंधित या महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे कुछ पारिवारिक विवाद भी निकल के आए हैं, कुछ महिलाओं के यहाँ पारिवारिक विवाद है, उनके पति गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं या घर पे खर्चा नहीं दे रहे हैं, उस तरह के विवाद आए हैं। कुछ भूमि संबंधित विवाद भी आए हैं जहाँ उसकी भूमि पर कब्जा नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है। तो जो SDM हैं, CO हैं और जो पुलिस और प्रशासन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित कर इन विवादों को ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर सुलझाया जाएगा, ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण हो सके, उनका एम्पावरमेंट हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके समाज के साथ। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को